हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएस गेटविज। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में आईएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में क्लॉजवाइज डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 11 वीडियो है और जो पुराने वीडियोस हैं वो आप रेफर कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस वीडियो में अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस के प्रोविजंस पर डिटेल में बात करूंगा और जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं, इसे कैसे कंट्रोल करना है, उनके बारे में बात करूंगा। इससे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। सो क्लॉज नंबर 8.2.5.4 है, इट इज रिगार्डिंग दी एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। तो ब्रीफ में बात कर लेते हैं, ये रिएक्शन होता कैसे, फिर यहाँ पर जो लाइन बाई लाइन जो हमारे क्लॉजेज में मैंशनड है उसके बारे में बात कर लेंगे। सो जो हमारा एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड एल्कली सिलिका रिएक्शन। ठीक है, इसे हम ASR भी बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं AAR। तो यहां पर जैसा कि नाम से ही मेंशन है कि इट इज अ रिएक्शन बिटवीन द एल्कली और सिलिका के बीच का रिएक्शन होता है। तो जो हमारी एल्कलीज हैं, ये इनका सोर्स हमारा क्या होगा, इसका सोर्स होगा हमारा सीमेंट का पेस्ट या सीमेंट्स, या हमारा एक्सटर्नल सोर्स पर अगर जाएं तो हमारी एल्कलीज कहां से मिल सकती हैं, फ्रॉम दी ग्राउंड वाटर में हमारे एग्रेसिव केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या ऐसा वाटर जहां पर हमारा एल्कलीज प्रेजेंट है वाटर में। तो दीज आर दी एक्सटर्नल सोर्सेज, बट हमारा सीमेंट्स आर दी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द एल्कलीज। और एल्कलीज सीमेंट्स में हमारी सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड के फॉर्म में, रेसिड्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जिनका इन जनरल हम जो डिजायर्ड लिमिट है वो 0.1 से 0.4% होता है। हमें इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, अदरवाइज इट विल लीड टू इफ्लोरेसेंस एंड हमारी जो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है वो प्रमोट हो जाएगी। तो इसे ध्यान रखना है। और जो दूसरा सोर्स है हमारा सिलिका का, ये हमारे कहां से आते हैं, सबसे पहले तो सिलिका हमारे एग्रीगेट्स में, सभी एग्रीगेट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट रिएक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन में ही हो, एक सर्टेन प्रपोर्शंस, और उनकी फाइननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो जो सिलिका है ये हमारे एग्रीगेट से आते हैं, और जनरली वो एग्रीगेट्स, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो रिएक्टिव सिलिका हमें जहां से मिलता है उस कैटेगरी में आते हैं हमारे ट्रैप्स, जो स्टोन एग्रीगेट्स डराइव होते हैं जिन स्टोन से, ओपलाइन, रियोलाइट्स, दीज आर द सोर्स ऑफ एग्रीगेट्स। अगर ये एग्रीगेट्स यहां से बने हुए हैं तो दे हैव द पोटेंशियल फॉर रिएक्टिविटी विथ एल्कलीज फ्रॉम द सीमेंट। और हमारे वेरियस स्पेशल सैंडस्टोन्स आते हैं जिसमें हमारा रिएक्टिव सिलिका प्रेजेंट होता है, एटसेट्रा। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा अंडर सर्टन कंडीशंस, वो भी मैं बात कर लूंगा क्या क्या कंडीशंस चाहिए रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंसिव जेल। हमारा एल्कली और सिलिका का एक एक्सपेंसिव जेल बनता है, इज फॉर्म्ड, जो कि स्वेलिंग इंड्यूस करता है एंड रिजल्ट इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ कंक्रीट। और हमारी कंक्रीट डिस्ट्रप्ट होती है, यानी डेटोरेट होती है। और कैसे हमें दिखता है, हमारा जो क्रैक का पैटर्न होगा वो हमारा पैटर्न क्रैक्स कहलाते हैं। एक सर्टेन पैटर्न में हमें क्रैक्स विजिबल होंगे कंक्रीट के सरफेस पे, एंड विच विल लीड टू द इवेंचुअल फेलियर ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। तो यहां पर जो कोडल प्रोविजंस हैं वो मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ। सम एग्रीगेट्स कंटेनिंग पर्टिकुलर वेराइटीज ऑफ सिलिका मे बी सब्सेप्टेबल टू अटैक बाई एल्कलीज Na2 एंड K2O ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सीमेंट आर अदर सोर्स। अदर सोर्सेज में हमारे क्या हो सकते हैं, जो अभी मैंने बात किया कि ग्राउंड वाटर से हमारे एग्रेसिव केमिकल्स होंगे जिसमें हमारा एल्कली भी हो सकता है, एंड इट विल प्रोड्यूस एन एक्सपेंसिव रिएक्शन विच कैन कॉज क्रैकिंग एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ कॉन्क्रीट। यही मैंने अभी बात किया, डैमेज टू कॉन्क्रीट फ्रॉम दिस रिएक्शन विल नॉर्मली ओनली वेन ऑल दी फेलिंग प्रेजेंट ऑल प्रेजेंट। तो ये हमारा जो एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है, इसके होने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड। तो
यहाँ पर मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्रमोट्स द एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. तो सबसे पहला जो फैक्टर है, इट इज द रिएक्टिविटी ऑफ द एग्रीगेट्स. ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा इसमें डिटेल में. तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो रिएक्टिविटी ऑफ एग्रीगेट्स है. ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एग्रीगेट्स हम जानेंगे कैसे, कि हमारे जो एग्रीगेट्स है वो उसमें हमारा रिएक्टिव सिलिका प्रेजेंट है एक सर्टेन प्रोपोर्शन एंड फाइननेस में. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं विच इज कॉल्ड पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द एग्रीगेट्स, जिससे हम जो हमारे पोटेंशियल रिएक्टिविटी है एग्रीगेट्स की वो डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, और हमारा जो IS 2386 है IS कोड, उसका पार्ट 7 ये सजेस्ट करता है कि देयर आर टू मेथड्स विच आर यूज टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ एग्रीगेट्स. उसमें पहला मेथड जो है वो हमारा मोर्टार बार एक्सपेंशन टेस्ट होता है, और दूसरा टेस्ट होता है केमिकल टेस्ट्स विच आर यूज टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ एग्रीगेट्स बाई सम केमिकल मेथड्स. और ये जो हमारी रिएक्टिविटी ऑफ एग्रीगेट्स है, ये हमारा फंक्शन होगा कि हमारे पार्टिकल साइज क्या है जो सिलिका प्रेजेंट है उसका, और हमारे एग्रीगेट्स की पोरेसिटी क्या है, बिकॉज ये डिटरमाइन करेंगे कि हमारा सरफेस एरिया वो रिएक्शन के लिए कितना ऑफर कर रहे हैं एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के लिए. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. उसके बाद दूसरा फैक्टर है कि हमारा मॉइस्चर कितना अवेलेबल है, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है, एक्सेलरेट करता है रिएक्शन को, दैट इज द कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर. तो हमारा इट इज अ फंक्शन ऑफ नॉन इवेपोरेबल वाटर, मतलब वाटर तो है बट इट हैज नॉट बीन इवेपोरेटेड, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर इन द जेल पोर्स. तो नॉन इवेपोरेबल वाटर होना चाहिए. तो जनरली ये देखा गया है कि कंक्रीट के सरफेस पर, जो कंक्रीट का नियर सरफेस है, वहां पर जो कैट जो डेटोरेशन होगा वो ज्यादा होगा इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न क्रैक्स एज कंपेयर टू जो हमारा अंदर का कंक्रीट का मास है. उसके बाद इसके कंट्रोल मेजर्स को भी मैं अभी डिटेल में बात कर लूंगा. वी कैन कंट्रोल इट बाई वाटर प्रूफिंग एजेंट्स, हम इसे वाटर प्रूफ कर सकते हैं कंक्रीट की सरफेस पे. और दूसरा है कि वी कैन अवॉइड द कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होने के लिए. और जो हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो हमारा प्रमोट करता है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को, उसके लिए हमारा जो टेम्परेचर है वो 10 to 40 degrees Celsius पाया गया है. तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. और अगर अब बात करते हैं इस मैकेनिज्म की, तो होता क्या है हमारा, ये मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ समझाया हुआ है कि जो मैकेनिज्म है ये कैसे हो रहा है एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन. तो होता क्या है कि हमारा ये एक रिएक्टिव सिलिका कंपोनेंट है, ये हमारा एग्रीगेट है, येलो जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये हमारा एग्रीगेट को मेंशन दिखा रहा है, और इसके अंदर हमारा रिएक्टिव सिलिका प्रेजेंट है. और ये हमारा जो ब्राउन ग्रे कलर में है, दिस इज सेट सीमेंट पेस्ट. ठीक है, और सेट सीमेंट पेस्ट में होगा क्या कि हमारा अगर सीमेंट में एल्कलीज हैं, ठीक है, तो एल्कली के साथ जब मिक्सिंग वाटर मिलता है तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाईली कॉस्टिक यानी एल्कलाइन लिक्विड बन जाता है. तो जो एल्कलीज होंगी हमारी Na2O या K2O, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारी NaOH और KOH बना लेती हैं. अगर इनका सोल्यूशन के फॉर्म में बात करें तो इनका जो आयंस के फॉर्म में होगा वो इस तरह कुछ होगा K+OH-. तो ये आयंस का जो कंसंट्रेशन है ये हमारा सीमेंट पेस्ट में अवेलेबल होगा. तो जैसे ही हमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर मिलेगी, ये सेट हो गए हैं ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर
जो हमारे सोडियम और पोटेशियम आयन्स हैं, दे विल रिएक्ट विथ दिस रिएक्टिव सिलिका डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रपोर्शन और उनकी फाइननेस के डिपेंड करते हुए, उसके जो रिएक्शन का रेट होगा उस पर डिपेंड करेगा, और इसके सरफेस पर हमारा रिएक्शन होगा एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम सिलिका जेल, जो रेड में आपको कलर में दिख रहा है, दिस इज द जेल फॉर्मेशन एंड दिस इज हाईली एक्सपेंसिव। इसका जो बिहेवियर है ये हाईली एक्सपेंसिव है, इट मीन्स जो ये वॉल्यूम फॉर्म करेगा, बिकॉज यहाँ पे तो ये रिस्ट्रेंड है चारों तरफ से, हमारा जो एग्रीगेट्स हैं कंक्रीट के अंदर वो रिस्ट्रेंड है सीमेंट पेस्ट के अंदर, और ये हाईली एक्सपेंसिव जो जेल बनेगा इसकी वॉल्यूम जो होगी ओरिजिनल जो वॉल्यूम थी उससे ज़्यादा होगी, तो इट विल एग्जर्ट एन प्रेशर, तो हमारे एक इंटरनल हाइड्रोलिक प्रेशर डेवलप होगा जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलेंगे, विच विल कॉज डिसरप्शन टू कॉन्क्रीट। तो दिस इज हाउ द जेल हैज फॉर्म्ड एंड द वाटर अब्जॉर्प्शन एंड एसीआर जेल फॉर्मेशन, एंड दिस इज द जो हमारा एक्सपेंसिव सोइल जेल प्रेशर है ड्यू टू द ऑस्मोटिक एक्टिविटी, हमारा ये क्रैक्स डेवलप होंगे हमारे कंक्रीट एंड दे प्रोपोगेट और ऑन द सर्फेस ऑफ द कंक्रीट, इन्हें हम पैटर्न क्रैक्स के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखिए, जो क्रैक्स का पैटर्न है उन्हें पैटर्न क्रैक्स के नाम से जानते हैं, एंड इट विल रिजल्ट इन दी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है और हमारी जो कंक्रीट की इलास्टिसिटी है, इलास्टिक मॉडुलस हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि हमारा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर होनी चाहिए और हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए 10-40 डिग्री सेल्सियस के लिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो दीज आर द सम फैक्टर्स, यही फैक्टर्स हमारे कोडल प्रोविजंस ने यहाँ पर भी सेम प्रोसेस को दिखाया हुआ है कि कैसे हमारा एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हो रहा है, एंड दीज आर द फैक्टर्स जो मैंने अभी डिस्कस किया, हाई मॉइस्चर लेवल इज रिक्वायर्ड, सीमेंट विथ हाई एल्कली कंटेंट एंड सोर्स ऑफ एल्कली इज रिक्वायर्ड, एग्रीगेट कंटेनिंग एल्कली रिएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो हमारा एल्कली प्रेजेंट है बाहर के एनवायरमेंट में सीमेंट के फॉर्म में या एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल रहा है, उसके साथ जो एग्रीगेट्स में हमारा सिलिका प्रेजेंट है वो रिएक्टिव होना चाहिए, तभी ये एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होते हैं। उसके बाद वेयर द सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ पर्टिकुलर सीमेंट एग्रीगेट कॉम्बिनेशंस आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड डू नॉट इंक्लूड एनी इंस्टेंटेंस ऑफ क्रैकिंग ड्यू टू एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, नो फर्दर प्रिकॉशन शुड बी नेसेसरी, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। उसके बाद ये बोल रहा है कि वेन द मटेरियल्स आर अनफेमिलियर प्रिकॉशन शुड टेक वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, इसमें अगर हमारे पास जो भी रिएक्शन होने के चांसेस हैं, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस होने के चांसेस हैं, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ द रिएक्टिव एग्रीगेट। सबसे पहले कि हमें जो नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट्स हैं, जो अल्टरनेट सोर्स हैं, वो एक्सप्लोर करना होगा और वहां से हमें प्रेफर करना होगा कि जो एग्रीगेट्स हम यूज करें कंक्रीट में वो हमारे नॉन रिएक्टिव हों, उसमें हमारा सिलिका जो हो वो नॉन रिएक्टिव हो, तो हमें सबसे पहला ये प्रिकॉशनरी स्टेप लेना है। उसके बाद दूसरा है हमारा कि हमारा जो सीमेंट में एल्कली कंटेंट है वो हमारा कम रहे, जनरली हम प्रेफर करते हैं कि वो 0.6% से लेस रहे, बट वी ट्राई टू अचीव इट अप टू 0.4%, हमें 0.4% से इन जनरल ज़्यादा नहीं रखना है, बट वी कैन गो अप टू 0.6%, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा एक मेथड होता है कि यूज ऑफ एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स का यूज करके क्या करेंगे हम, जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स यूज करेंगे, विच विल रिड्यूस दी क्रैक पैटर्न्स, ठीक है। एक और मेथड होता है कि हम ये इंश्योर करें कि हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर अवेलेबल ना हो, ठीक है, और हम कंट्रोल करें कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ जो वाटर, हमारा मॉइस्चर मिल रहा है जिसकी प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन हो रहा है, उसकी कंटिन्यूस सप्लाई को हमें रोकना है, तो उसे कंट्रोल करना है वाटर को, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूज ऑफ पोजोलिनिक एडिशन, तो पोजोलिनिक मटेरियल का यूज करके हम अपने एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को रोक सकते हैं। वो कैसे रोक सकते हैं कि पोजोलिनिक मटेरियल इन फॉर्म ऑफ फ्लाई ऐश हम यूज कर सकते हैं, स्टोन डस्ट क्रस्ट यूज कर सकते हैं, सुर्खी यूज कर सकते हैं, डायटोमियस अर्थ यूज कर सकते हैं। ये यूज करके हम करते क्या है, जो हमारा C3S के साथ जब हाइड्रेशन होता है तो CSS जेल बनता है हमारा, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है जो एल्कली, तो इस एल्कली के साथ
हमारा जो पोजोलिनिक मटेरियल होता है ये हाईली सिलिसियस मटेरियल होता है जिसमें SiO2 प्रेजेंट होता है, तो ये रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट विच इज नॉन एक्सपेंसिव. ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन क्या करता है, नॉन एक्सपेंसिव जेल फॉर्म कर देता है एग्रीगेट्स के सराउंडिंग में विच प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक पैटर्न्स. तो इस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ पोजोलिनिक एडिशन. अब कितना यूज करना है इसके बारे में अभी मैं नीचे बात कर लूंगा. उसके बाद है सेकेंड, एक और यहाँ पे जो एलोबरेट किया हुआ है कि लो एल्कली पोर्टलैंड सीमेंट यूज करना है जहां पर एल्कली कॉन्टेंट हमारा अगर ज्यादा हो रहा है तो हमें लो एल्कली पोर्टलैंड सीमेंट यूज करना है. और यहां पर दिखाया हुआ है कि एडिशन ऑफ पोजोलिनिक मटेरियल कैसे करना है उसके बारे में ये गाइडलाइंस दिए हैं. इसमें कह रहा है कि फर्दर एडवांटेज कैन बी ऑप्टेन बाय यूज ऑफ फ्लाई ऐश ग्रेड वन. ये ध्यान रखना है हमेशा ग्रेड वन का फ्लाई ऐश ही यूज करना है, कंक्रीट में ग्रेड टू हमारा अलाउड नहीं है. ठीक है, और इट शुड कंफर्म टू IS-3812 के रिकमेंडेशन, जो स्पेसिफिकेशंस हैं फ्लाई ऐश के उसको फॉलो करना चाहिए. या फिर ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो कि ये पोजोलिनिक मटेरियल होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं कंफर्मिंग टू IS-12089. बट ये इट कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसमें हमारा जो एल्कली कॉन्टेंट है वो हमारा 0.6% से लेस होना चाहिए और हम तब उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर दीज एडमिक्सचर्स कैन बी यूज. और इसकी जो लिमिट दी हुई है कि फ्लाई ऐश का कंटेंट कम से कम हमारा मिनिमम 20% हमें रखना ही रखना है. ठीक है, और जो हमारा ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है उसकी जो स्लैग कंटेंट है उसमें इट शुड बी मोर देन 50% फॉर बीइंग यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट जिसमें जो हमारी अल्कलीज हैं जो कि अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कॉज कर सकती हैं उनको रोकने के लिए. उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है मेजर्स टू रिड्यूस द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग सर्विस. सो हमें कंट्रोल ऑफ वाटर करना है बाय द यूज ऑफ इम्परमेबल मेम्ब्रेन्स. ठीक है, लिमिटिंग द सीमेंट कंटेंट इन द कंक्रीट मिक्स एंड देयरफॉर लिमिटिंग द टोटल एल्कली कंटेंट. हमें जो सीमेंट कंटेंट है उसको लिमिट करना है बाय लिमिटिंग द टोटल एल्कली कंटेंट को लिमिट करने के लिए कंक्रीट रिएक्शन कंक्रीट मिक्स में जो कि एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कॉज कर सकती हैं. उसके बाद है हमारा कि कंक्रीट इन एग्रेसिव सॉइल्स एंड वाटर्स. तो इसके बारे में पुराने वीडियोस में जब मैंने ड्यूरेबिलिटी की बात की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. इसमें यह कह रहा है कि जो एग्रेसिव वाटर्स जो कि हमारा एल्कलीज का सोर्स हो सकता है उसका जो डिस्ट्रक्टिव एक्शन होगा वो प्रोग्रेसिव होगा. अचानक से आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेंगे, उसके सिम्टम्स नहीं मिलेंगे डिट्रेशन के लिए, बट जो रेट ऑफ डिट्रेशन है वो हम कंक्रीट का डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंक्रीट मोर स्ट्रॉन्गर एंड मेकिंग इट इम्परमीएबल. तो इम्परमीबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें सारी प्रिकॉशंस लेने होंगे जो कि मैं पहले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, वेयर स्ट्रक्चर्स आर ओनली पार्शली इमर्ज्ड आर इन द कॉन्टेक्ट विद एग्रेसिव सॉइल्स और वाटर ऑन वन साइड ओनली इवेपोरेशन में कॉज सीरियस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विद सब्सिक्वेंट डिट्रूशन. ये कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रक्चर हमारा पार्शली इमर्ज्ड है वाटर में, ठीक है, तो होगा क्या कि अंडर द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट यहां से हमारा जो इवेपोरेशन होगा इट विल लीड टू द सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑन द कंक्रीट सरफेस जो कि हमारा कंक्रीट को डिट्रोएट करेगा. तो इवन वेयर द ओरिजिनल सॉल्ट कंटेंट ऑफ द सॉइल और वाटर इज नॉट वेरी हाई बिकॉज इवेपोरेशन के जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हमारा सॉल्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता जाएगा. तो यहां पर मैंने फिनोमेना दिखाया हुआ है कि द एक्सचेंज ये दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेस एसिड्स और सीवर से हमें जो हार्मफुल डिट्रेशन केमिकल्स मिल रहे हैं जिनके साथ जो कंक्रीट है वो रिएक्ट करके डिट्रेट हो रही है एंड द लीचिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सॉफ्ट वाटर एंड द स्पेलिंग ऑफ कंक्रीट टेक्स प्लेस व्हेन द सॉइल्स आर सल्फेट्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स. ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं ऑलरेडी ब्रीफ में बात कर चुका हूँ पुराने वीडियोज में. उसके बाद है हमारा रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ड्यूरेबिलिटी, हमें कैसे इम्प्रूव करनी है एंड और एल्कली एग्रीगेट के कंसंट्रेशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो जहां जिन साइट्स पे हमारा एल्कली कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, सपोज कोई स्ट्रक्चर अगर मान लेते हैं यही एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमारा वाटर टेबल यहां एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पर एंड इट हैज अ एग्रेसिव ग्राउंड वाटर सॉइल्स हैं यहां पर, तो यहां पर हमारा एल्कलीज बहुत सारी होंगी. तो हम क्या करेंगे, यहां से डिवॉटरिंग करेंगे पंप इंस्टॉल करके विद द हेल्प ऑफ डिवॉटरिंग वी लोअर इट डाउन
जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, तो हमने वाटर टेबल को रिड्यूस करके यहाँ कर दिया, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो हमारा कंक्रीट की स्ट्रेंथ और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि ग्राउंड वाटर शुड बी लोअर्ड बाई ड्रेनेज सो दैट इट विल नॉट कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कंक्रीट। हम कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं बाई द यूज ऑफ केमिकल रेजिस्टेंट स्टोन फेसिंग। हम ड्रेन यहाँ पर ड्रेनेज मैट इस साइड भी लगा सकते हैं, इस साइड भी लगा सकते हैं, एंड सम स्टोन फेसिंग काइंड ऑफ थिंग। जैसे यहाँ पे मैंने कंक्रीट का एक सरफेस एक्सटर्नल एडिशनल प्रोवाइड किया हुआ है, उसी तरह हम स्टोन फेसिंग का प्रयोग करके या लेयर ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके विथ सुटेबल फैब्रिक का यूज करके वी कैन प्रिवेंट द इम्प्रेगनेशन ऑफ द वाटर। ठीक है, सच एज जूट थ्रू थॉरली इम्प्रेगनेटेड विथ बिटुमिनस मटेरियल। जूट को इम्प्रेगनेट विथ बिटुमिनस मटेरियल करना है, अदरवाइज वो पोरस रहेगा एंड वाटर कैन पास थ्रू इट। सो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड है कि जो हमारा कॉम्पैक्शन है, फिनिशिंग है एंड क्योरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट कि जो हमारा सिग्रीगेशन है वो ना हो। सिग्रीगेशन होने के लिए कि हमारा एडिक्वेट कॉम्पैक्शन विदाउट सिग्रीगेशन शुड बी इंश्योर्ड। सिग्रीगेशन का मतलब ये है कि जो हमारा सेपरेशन है ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स फ्रॉम फाइन एग्रीगेट्स हो सकता है, या पेस्ट जो बन रहा है हमारा वो कोर्स एग्रीगेट से सेपरेट हो सकता है, या हमारा वाटर भी सेपरेट हो सकता है मिक्स से। तो ये फेनोमेना को हमें अवॉइड करना है, इसके लिए हमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन इंश्योर करना होगा। और जनरली ये देखा गया है कि जो हमारा सिग्रीगेशन है ये ड्राई नॉन स्टिकी कंक्रीट मिक्स में होता है, तो ये हमें अवॉइड करना है इस तरह की मिक्स। प्रॉपरली हमें मिक्स डिज़ाइन करानी है और हमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इंश्योर करना है कि कॉम्पैक्शन के दौरान ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मिक्स में। ठीक है, और हमें ओवर वाइब्रेशंस कंक्रीट में अवॉइड करना है जिसकी वजह से हमारे कंक्रीट में सिग्रीगेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, और या फिर एक्स्ट्रा फ्लोटिंग और टैम्पिंग हमें ये अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इट शुड बी इंश्योर्ड बाई प्रोवाइडिंग सुटेबल ड्यूरेबिलिटी एंड बाई एम्प्लॉइंग अप्रोप्रिएट प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट। हमें एडिक्वेट डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशंस हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर्स यूज करने हैं। फुल कॉम्पैक्शन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। हमारा जो कॉम्पैक्शन है नियर दी, ये हमारे एनफोर्समेंट बार्स हैं, तो इनके अराउंड में हमारा जो कॉम्पैक्शन होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए, तो इंश्योर प्रॉपर बॉन्डिंग एंड नो एयर वॉइड्स फॉर्मेशन। ठीक है, और जो भी कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चर में कंक्रीट के और मूवमेंट ज्वाइंट्स, दे शुड बी प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड। ठीक है, वहां पे हमारी देर शुड नॉट बी एनी चांसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ वाइड्स या हनी कॉम्बिंग टाइप का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। उसके बाद गुड फिनिशिंग प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी है ड्यूरेबल कंक्रीट के लिए, और ओवर वर्किंग द सर्फेस एंड द एडिशन ऑफ वाटर सीमेंट टू एड इन फिनिशिंग शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, and the resulting latency will have impaired strength and durability and will be particularly vulnerable to freezing and thawing under wet condition. ये बिल्कुल सही है। It is essential to use proper and adequate curing techniques हमें use करना है depending upon कि हमारा जो member है वो किस type का है और हमारी क्या हमारे source available हैं, और हमें वो follow करनी होगी curing techniques to reduce the permeability of concrete durability के लिए, which is very important is the permeability of concrete को reduce करना है किसी भी तरह, so that durability can be enhanced by extending the hydration of the cement particularly in the surface zone which is more prone to deterioration. I hope मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोज मैं फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।